हमें लग रहा है कि हमारा रोजा जो है ना वो रस्ते में ही खुल जाएगा। चक्कर है ये क्या है? रोजे रख रख के गर्मी भी पड़ी। ओए होए 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 पागल हो गई हो? दिल खुश हो गया। हां आज मेरा मूड बहुत खराब है यार, एक दिन के लिए पहने दो। अभी इफ्तारी पे जा रही हूं पर पेंटिंग ही ला रही हो। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार रात की सहरी जो है वो हमने ओल्ड लाहौर में की थी और आज जो है ना मुझे मेरी फ्रेंड के घर इफ्तारी की दावत आई है, इन्विटेशन आया है। अब तक जितने भी रोजे गुजरे है ना ये मेरा फर्स्ट इन्विटेशन है इफ्तारी का। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। नीचे चलते हैं जाकर के देखते हैं, मामा से थोड़ी हेल्प लेते हैं, उसके बाद रेडी शेडी होते हैं फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। चलो आज की इफ्तारी बनानी। आज तो मेरी दोस्त के घर इफ्तारी है, मैं उधर जा रही हूँ मामा। इतना अर्जेंट बता रही हूँ? मुझे खुद उठ के सुबह याद आया, फ्रेंड्स की सबकी कॉल आई है, रेडी हो जाओ। ये सही है, पहले ओल्ड लो और फिर कहीं आज दोस्तों की तरफ। मामा किसी ने तो बुलाया नहीं, ठीक है जितने भी रोजे गुजरे ये पहली दावत आई है। बाद में उछलती हुई आज आ रही है, ज्यादा ही कुछ जोश से, ये नहीं पता अंदर खाते जाना है। मैं आपकी वार्डरोब में जाऊंगी और जा करके कपड़े चुराऊंगी। मेरी वार्डरोब में जो पसंद है वो पहन लो। इनमें से जो है वो एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है, थोड़ा फंकी फंकी सा है, थोड़ा कूल कूल सा। मामा ये वाला ड्रेस तो मेरा था और मैंने मामा को दिया था पहनने के लिए। दोस्त ने इफ्तारी किया ना तो अर्जेंट कोई सूट नहीं मिल रहा था तो मैंने मामा की वार्डरोब से निकाल के पहन लिया। मामा को कोई मसला नहीं था, तुम्हें क्या है? दफा भी मैंने पहले भी नहीं पहना है, मेरा गिफ्ट था। नहीं कोई पिक्चर पोस्ट करती इसमें, देख लिया कि मैं ले आई हूँ मामा की अलमारी से तो दे ही नहीं रही मुझे सूट। ये सूट ना इसको बर्थडे पे ना गिफ्ट मिला था और ये काफी खुला था मेरे साइज का, ये तो मैं पहनूंगी। कहती चले आप ले लो, अब तुम लोगी तो वो बोलेगी इतना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मामा ने कहा मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मामा ने एक दफा कह दिया मुझे अच्छा लगता है तो मामा ले ले। लेकिन अब जो मामा ने पहले नहीं पहना तो मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं पहले तो इस तरह मैंने भी एक बार कह दिया कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे दे दो। मेरी मम्मा नहीं ना बहन तो हूँ ना। नहीं मामा यार इतनी मुश्किल से निकाल के लाई हूँ, कह दे आज के दिन पहनने दे। यार एक दिन के लिए पहनने दो, अभी इफ्तारी पे जा रही हूँ, सवाब मिलेगा तुम्हें। जैसे पहन के जाओगी मुझे वैसे ही ला के देना, कोई निशान लगा ना जरा फातिमा। नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही नीट एंड क्लीन। हेलो क्या याद करोगी? शुक्रिया 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 शुक्रिया, इफ्तारी पे पहनने जाने के लिए सूट मिल गया। दिस फातिमा कुछ हो रहा है, पागल हो गई हो? मुझे आदत पड़ी है ये करने की। ये क्या है? शट अप, फिर आप एक सूट दिया उसके बदले में ट्रोल ना करो। वापस चलूंगी अगर तुमने दोबारा ऐसे किया तो। सो गाइस फाइनली मैं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं आपको बाहर जाके अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। हाफ रास्ते तक किराना छोड़ने जाना है, फिर वहां से मुझे मेरी फ्रेंड्स ने पिक करना है और वहां से फिर हम आगे इफ्तारी पे जाएंगे। मैंने ड्रॉप करना है तुम्हें? हाँ जी मैं नहीं जा रही हूँ। यार पहले तुम कपड़े नहीं देती हो, बाद में तुम ड्रॉप करने नहीं जाती हो, हर बार तुम्हारे तरले करूँ। सिर्फ दो मिनट के रास्ते पे छोड़ कर आना, आ जा यार जल्दी चलो। बाय मम्मी बाय। तुम लोग आज घर आके इफ्तारी करो, मैं बाहर जाती हूँ। थोड़ी सी पैक करवा के मैं ले लेती हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, अभी दोस्तों कहते हैं दे दे थोड़ी सी यार, पागल बेवकूफ। So guys, it's my full look. आज का मेरा बैग मैंने फुल मैच करके लिया है। मुझे कमेंट से बताया मैं कैसी लग रही हूँ। चल जा, बाय बाय। बाहर इतना कोई सुहाना मौसम हुआ है ना, तेरे को जाले सॉरी है ना, तेरे किसी दोस्त ने बिना इफ्तारी पे नहीं बुलाया, मुझे बुला लिया मेरी दोस्त ने। अभी तक राबिया को भी उसकी किसी दोस्त ने नहीं बुलाया, जैनब को भी नहीं बुलाया, मुझे सबसे पहले बुला लिया। किसी ने ना इफ्तारी की तो मैं खुद आ जाऊंगी आप लोगों के घर। यार वैसे इफ्तारी का इन्विटेशन ना बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को देना चाहिए। मैंने भी अपनी फ्रेंड्स की एक दिन इफ्तारी करवानी है। तुमने सारी इफ्तारी खुद बनानी है, ठीक है? खबरदार तुमने मेरे से जरा सी भी हेल्प। ओके इवन बर्तन भी नहीं उठाऊंगी ना लगाऊंगी। हीरा आजकल तुम नखरे ज्यादा नहीं कर रही हो? जब से इसने मेरे साथ चैलेंज किया ना, ये तो मेरी सोतरी बन गई है, बस लड़ाई करती रहती है। अब बहनों वाला विचार नहीं रहा इसका मेरे साथ। सकने नीचे पानी लेकर डुब मार, तू मार, तू मार। तो यार मेरी दोस्तों की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, हीरा ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बाय 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 ओके बाय बाय। दोस्त के घर जाने से पहले पहले हमने सोचा कि हम केक शेक ले लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता इफ्तारी पे जा रहे और खाली आ जाए। सारे केक में वहाँ पे केक था, हमने वो डिसाइड किया, उसके ऊपर हम लिखवा रहे हैं रमजान मुबारक। ईद मुबारक तो लिखवा नहीं ना सकते, हमने ऊपर लिखवा लिया है रमजान मुबारक। लोग सारी लड़कियाँ जो है वो गाड़ी में आकर बैठ गई है, ठीक है? और यहाँ पर इतना ट्रैफिक है ना, हमें लग रहा है की हमारा रोजा जो है ना वो रस्ते में ही खुल जाएगा। भाई 5:30 तो इधर ही हो चुके हैं। हेलो गाइस, बहुत फस फस आके, कोई बात नहीं कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो गजरा मेरे लिए लेके। यहाँ पे बहुत सारा रश है, ट्रैफिक देखे आप लोग, बस किसी तरह खुल जाए और हमारा रास्ता रस्ते में ना खुले। मैंने गलत बोल दिया था, मैं बोलना चाह रही थी कि हमारा रोजा रस्ते में ना खुले, बस किस तरह की ट्रैफिक खुल जाए। अभी हमारे पास बचे हैं आधा घंटा पड़ा है हमारे पास और रास्ता भी हमारा थोड़ा सा ही रह गया, बस होप्स हो के हम पहुंच जाए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 6:09 पे, अभी 6:15 पे रोजा खुल रहे हैं। जल्दी जल्दी सारे नीचे निकलो, बाहर निकलो, रोजा खुल जाएगा इससे पहले। गाल इतना मजे का यहाँ पे क्लब सैंडविच है, जलेबी है, इसे क्या है, पराठा रोल, पकौड़े, मिंट मार्गरिटा,
रोल्स ये क्या है? इसका नाम गेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट मेरी दोस्तों ने बता दिया इसको दही भड़े का। ये है दही भले, ये है फ्रूट चाट, ये है समोसे जामे शेरी, और फिर से मिंट मार्केटा। यहाँ पे एक और डिश आई है बट वो थोड़ी सी लेट आई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पास ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये अब हमारे लिए आई है चाय। मिनाहिल एक बहुत अच्छी होस्ट है एज यूजुअल, इस बार भी मिनाहिल हमारी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी कर रही है। लास्ट टाइम भी आया था मिनाहिल के घर रमजान में इफ्तारी पर, बहुत मजा आया था। मैं भी प्लान बना रही हूँ, मैं अपने घर अपनी सब फ्रेंड्स को इन्वाइट करूंगी। एक आ चुका है रमजान मुबारक का, अब हम सब मिल करके इसको काटेंगे। एक मजे की आई है हमारे पास स्वीट डिश बन के, अरेबिक डिश है, इसका नाम क्या है? बाबूसा नाम है इस डिश का। यहाँ से हमारा सारा केक खराब हो गया और इसके लड़की कहीं ये क्या है, बालों का इसने ग्रे पेंट करवा दिया है और यहाँ से बेचारा हमारा केक सारा गंजा हो गया है। एक हमारे पास इतनी मजे की स्वीट डिश आई है, बिस्किट्स की टॉपिंग है और उसके ऊपर इसने क्रीम ऐड की हुई है। मेरी ये वाली दोस्त के जो जूते है ना, ये रियलिटी चेक करें। ये वाली फ्रेंड ने आप पहन के इसकी फोटोज ले रही है। लड़कियां इस बात से रिलेट कर सकती है, एक दूसरे के जूते एक दूसरे के बैग से आगे चलता है। तो ये मेरी फ्रेंड्स है और ये इनके फुल आउटफिट्स है। ईद पे कौन सा कलर पहन रही हो जल्दी? पिंक, ब्लैक, पीच। मैं जो हूँ ना, मैंने भी डिसाइड ही नहीं किया। ईद में जो है ना वो बहुत कम दिन रह गए, 15 दिन रह गए। मेरे बाल ठीक है, बंद कर। चलो यार फाइनली मैं घर पहुंची हूँ। गर्मियां जैसा कि आपको पता है आना स्टार्ट हो गई है, सबका दिल जो है वो ठंडा पानी पीने को कर रहा है। ठंडा पानी नहीं, मेरा अंदर गर्मी लग रही है, रोजे रख रख के गर्मी भी पड़ी है। अक सड़के जो है ना ये डिस्पेंसर का स्विच लगा रही है। इतना जा काम सी रबों पर पेंटिंग ही ला रही हो। मम्मा लगा तो दिया मैंने, अब इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, फिर ही तुम ठंडा पानी पी सकती हो। मम्मा ठंडा पानी नहीं, बर्फ पाला है, मैं नहीं ठंडा ठंडा। ऐस खड़ोने नु फिर बेच दे मम्मा। और यहाँ पे जैनब मैडम ने जो है बाहर से कुछ ऑर्डर करवाया हुआ। ये 1000-1000 रुपए के नोट नहीं, ये 75 के। वो यकीन करो ये 1000 रुपया ही लगता है यार। चलो दो बार। मैं घर वापस आई हूँ और यकीन करे घर में इतना गंद डला हुआ है, सारा गंद पड़ा हुआ है भाई, किचन में इतना गंद। इसलिए आज मेरा मूड बहुत खराब है, मैं बस चुप करके फिर रही हूँ, किसी से बात भी नहीं कर रही कि उस पे मेरा गुस्सा ना निकल रहा। यहाँ पे भाई हैवी किस्म का जो है ना वो मजे का तूफान आया हुआ है। क्या मजे के पत्ते हिल रहे हैं यार। मम्मी मस्ती करो, बारिश आ रही है, कितना प्यारा मौसम है। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला फॉर दिस ब्यूटीफुल वेदर। माओ को जो है सारा सामान अंदर रखने की पड़ जाती है। छोटे होते ना मुझे ऐसा लगता था कि तूफान और आंधियां चलेंगी ना तो हमारा घर उड़ जाएगा। मैं कहती थी अल्लाह प्लीज मेरा घर ना उड़े। चेयर्स मामा यहाँ से उठा के अंदर रख रही है ताकि गीली ना हो। पापा नहीं है ना तो अब सारी ड्यूटी जो है वो मामा को करनी पड़ी है। बारिश होती है, चेयर्स को अंदर रखते हैं, खिड़कियों को बंद करते हैं। मामा अब बनाने लगी है मजेदार से पराठे। अब भूल गई, आटा खत्म है, आटा ही गूंदा हुआ है। पर ये तो अच्छी बात है ना, मम्मी आए बाहर चलते हैं सैरी करके आते हैं। चुप चाप लाई बार 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 लाई आटा गूंद आ गया। मैं कोई मौका नहीं छोड़ रही जिसमें ये कहा जाए कि मामा बाहर सैरी करते हैं। सीधे हाथ की लगा दिया करें, हाथ का थप्पड़ टका कर बहुत जोर से, हड्डियां होती है ना इस साइड। मामा के साथ जो है आटे को जो है गूंदते हैं। तो गुण बाजी आ गया तो सिखाएं, और सिर्फ सिखाएं आटा गूंदना। मैं सिखाया भी नहीं आज तुम्हारी, तुमने गूंद दिया ना तो सारी सैरी खराब हो गई। बाहर से सैरी कर करके ना मैं अपनी मम्मी के हाथ की जो है ना वो चूरी वो बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा मेरी चूरी का चस्का लगा ना, डेली चूरी ये खाती। देसी घी की मजे की यहाँ पे खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। रोटी शोटी पक रही है, रोटी शोटी पक रही है, कंगी शंगी वाई हुई है, स्टाइलिश पेंट मैंने पाई हुई है। इतना बड़ा रोटा बना रही है सारी की चूरी खिलाओ। आप लोग भी सोचते होंगे ना तमाशा ही फाड़ लिया, हर सैरी नई चूरी, हर सैरी नई चूरी। रमजान में हम ज्यादा खाते हैं, वैसे पूरा साल हम बस कभी कभी चूरी खा रहे हो। चूरी बनाना ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पहले घंटा उसे कुटना पड़ता है। चलो यार ये चूरी बन चुके, आप ही भी आई हुई है आज घर पे, अभी थोड़ी देर बाद चली जाएगी, आप ही के हस्बैंड आप ही को यहाँ पे ड्रॉप करके गए। तुम मेरा ख्याल आप ही रमजान में पहली बार ही मम्मी के हाथ की चूरी खाने लगी हो ना? अभी कुछ नहीं खाई, अपने हाथ की भी नहीं खाई आफ्टर सो लॉन्ग। कोई एक साल बाद तुम खा रही हो मेरी मम्मी के हाथ, अभी तो एक साल बाद खा रही हो ना? मजे की है, दिल खुश हो गया। पानी पिलाओ मुझे। प्यार करन दी उम्र हैगी है, घर वाले काम कराई आ रहे ने, बहन काम कराई आ रही है। The next day. आज जो है मेरे एक और मामू और उनके साथ नानू आने वाली हैं, और आज मामा ने किसी को भी नहीं बोला कि कौन जो है वो इफ्तारी बनाएगा। आज मेरा मेन्यू चलेगा और देखो बना के बैठी भी हुई हूँ, मटन बन रहा है, समोसे भी तलने हैं, वो तुम करो। उठने से पहले ही आज मटन भी तैयार किया हुआ, दही भले, हर चीज। बुढ़िया ने मेके ने आना हुआ तो बुढ़िया से जोश आ जाए। कभी फूफो के आने पे भी इतना इंतजाम कर लिया करो। मुझे नहीं पता इसमें कितना मीठा कितना चीनी है, जब रोजा होता है ना फिर आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है।
आइडिया लगा के चीनी डालनी पड़ती है। गेस्ट आ चुके हैं और उधर रोजा खुलने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। यहाँ पे अभी सालन पक रहा है और यहाँ पे जो है फौरन समोसे फ्राई हो रहे हैं, बस जल्दी जल्दी से हो जाए किसी तरह। मजे की कढ़ाई, रायता, टैंग, खजूरें, दही भल्ले, साथ में चटनियां, साथ में जामे शीरी और साथ में ये रोल समोसे। ये लो भाई बच्चों, रोजा खोलो, आज खा लो, पी लो, रोजा खोलो। तारी करने का टाइम है और जैनब ने यहाँ पे ग्लास तोड़ दिया सारा। गलती से टूट गया था, पकड़ने लगी हूँ, इतना हैवी था। तुम पी लो, ये वाला पीना है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कॉमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।